अरबाज भाई एक चीज और रिवील कर दो, अगला मीटअप कहाँ पर करोगे? सॉरी, अगला मीटअप कहाँ करोगे? रिवील करके जाओ यार। अगला अजीवार जो होगा ना वो इंशाल्लाह इवेंट होगा। बहुत बढ़िया भाई, या तो आप रिकॉर्ड कर लो या फिर आप समझ लो, वो जरूर दोनों का नंबर होगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका फोकस रिकॉर्ड पे रहेगा। कुछ नहीं भाई, एक घंटे ना जाएगा इस पर, आप 5,000 व्यूज ले लोगे, 10,000 ले लोगे, लेकिन आप चाहोगे पर वीडियो पर व्यूज आए तो उसके लिए ना आपको कुछ सीखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारी लाइन से टेक्निकल लाइन से तो नहीं हूँ, ये टिप्स देना मेरा काम नहीं, ये काम है जो आप लोगों से पैसा अन करते हैं, कोर्स बेच कर गाइड करते हैं, वो मेरा काम नहीं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मुझसे मिलने के लिए आप लोगों से कभी पैसे नहीं लूंगा। एक बंदे ने कमेंट की थी कि अरबाज भाई क्या चार्ज है भाई, मैं कभी जिंदगी में नहीं लूंगा। वो जो हो गया उसमें मेरी इंटेंशन मुझे पता है यार, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इसमें, ठीक है। तो अभी मैं हम कुछ ना कुछ बात करेंगे आपसे, उससे पहले भाई नहीं पानी में लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो गाइस, बहुत दिनों से हमारे एक भाई हैं, यूट्यूबर हैं, अरबाज व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, उनसे मुलाकात करने की मैं सोच रहा था और उन्होंने मुझसे कहा भी था, वादा भी किया था कि सुहेल भाई कुछ दिन रुक जाओ, मैं एक मीटअप करने वाला हूँ जहाँ पर मैं आप सभी से मिलूँगा और एक अच्छा सा छोटा सा मीटअप करेंगे। और आज फाइनली वो मीटअप रखा गया है और वो फिलहाल लोधी गार्डन में है और मैं लगभग लोधी कॉलोनी में ही घूम रहा हूँ इस वक्त। एग्जैक्टली मुझे रास्ता नहीं पता था, मैंने मैप वगैरह लगा रखा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई अरबाज ब्लॉग भाई से मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने बोला था 12 बजे में मीटअप स्टार्ट हो जाएगा, टाइम अभी लगभग हो रहा है 12:20 के आसपास का, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात देखने में आई, फिलहाल मैं लकी रहा कि अभी अरबाज भाई यहाँ नहीं पहुँचे हैं, मैं मेन गेट पर पहुँच गया हूँ और यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अरबाज भाई का। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इनसे मुलाकात करूँ, बातचीत करूँ, देखूँ क्या मामला है, पर एक बार देखते हैं। फिलहाल तो एक्साइटमेंट जब और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, दिखाता हूँ एक बार आपको भी। सो टाइम की अगर बात करें तो हो रहा है 1:00 और यस, अरबाज भाई की एंट्री हो चुकी है, काफी सारे लोग जो हम जा रहे हैं उनकी गाड़ी को जो है घेर लिया गया है। तो लोग एक्साइटमेंट तो नो डाउट बड़ी जबरदस्त है और देख सकते हैं आप माहौल बन रखा है, एकदम सेटअप है माहौल। अरे बाहर तो आन दो भाई को, अरबाज भाई है क्या? सो फाइनली गाइस, वो पल आ चुका है जहां पर अरबाज भाई हमारे बीच में हैं और फिलहाल थोड़ा सा मामला धक्का मुक्की का भी लग रहा है, लेकिन ये एक्साइटमेंट है, प्यार है लोगों का। और माहौल बनता हुआ ये हाँ। सो दोस्तों, फाइनली लोधी गार्डन में एंट्री हमारी होती हुई और समय की बात करें तो ज्यादा नहीं हुआ, 1 के आसपास का ये, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अरबाज भाई के एंट्री होते हुए और ये सारे लगभग यूट्यूबर्स हैं, सारे फैंस हैं और सारे ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, अब एक एक करके सवाल कर लो, जो भी करना है एक एक करके, वो एक ही मिनट है, जो भी सवाल आपको लगता है जो आपका बैड सवाल है, बाकी मैंने जो जितना भाई बैड का ही करो, बैड का ही करो भाई, समझ आ गया। एक ही बंदा एक बार करेगा, इस तरह से नेक्स्ट सवाल। अरबाज भाई रीयूज कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कई बार बताइए। रीयूज वैसे मेरा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन रीयूज कंटेंट आप मत यूज करो, आपका चैनल डेड हो जाएगा,
इसमें दो चीज होती है, YouTube की कोई गलती नहीं है, YouTube कुछ नहीं कहता, लेकिन सामने वाली पार्टी जिसका आप यूज कर रहे हो उसके हाथ पूरा उसके पूरा राइट है कि वो आपको कॉपीराइट कभी भी कॉपीराइट दे सकता है। राइट, नेक्स्ट सवाल, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, सब सुन नहीं पा रहे भाई, आगे वाले बैठ जाओ भाई, सब आपका जो एक मिलियन वाला चैनल था, बैठ के सवाल कर लो भाई, बंद कर रखा है, आगे आप उसको कुछ और करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? नहीं नहीं, बंद नहीं रहेगा, हम करेंगे आगे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप सोचो जो ये कितना बड़ा चैनल, तो वही चीज आ गई कि आप किसी के फेस का आपने सहारा लिया, कोई बुरी बात नहीं है, आपने डाला उस पर व्यूज आ गए, ठीक है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डालोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी के 100 200 500 हजार से ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं। वजह क्या होती है, मीटअप में ना हमेशा ज्यादातर वो फेस वही चलते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें भाई मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है कि मैं तो अपने चैनल में व्यूज लेके आ रहा हूँ ना, ये तो आपका टैलेंट है कि आप कैसे लेकर आओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोग, मैंने जैसा कहा था ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को वही पसंद है, वही पसंद, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गाइस मैंने ये कर लिया, और गाइस अभी स्टेज पे लड़ाई हो गई, क्या है यार ऐसा हुआ कि हम अभी खाना खाने गए दिल्ली में आए हुए थे, एक साहब ने हमें दावत कर दी, तुम बैठे बैठे हुए थे, वो हमारी ब्लॉग लेने लगा, तो बोले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कर दूं, तो मैं वीडियो बोले कल से अपलोड करूंगा। और मैं ये चीज समझाने चालू कर रहा हूँ, सुनो सुनो, चैनल जो डेड हो रहे हैं उसका रीजन क्या है आप समझ नहीं रहे हो। सिग्मा वाली वीडियो वायरल हुई थी कैनिम नाइटी की, वो आप समझना नहीं चाहते इस चीज को, कमाना और खरीदना ऑडियंस, वही बता रहा हूँ भाई। आप देखो मेरा चैनल है अरबाज मिनी ब्लॉग, मैं पहले उसे कम्युनिटी में डालता था, अब नहीं डालता हूँ, मैं कभी नहीं डालता हूँ, आप चेक करो कभी नहीं डालता हूँ, उसमें रैंडमली व्यूज आ रहे हैं। कल एक वीडियो देखी 13,000 पहुंच गई, सब्सक्राइबर 6,000 है, कई कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा लेकिन आएंगे। तो मेरा भी ऐसे हुआ होगा ना भाई, प्रमोशन डजंट मैटर, मैटर करता ही नहीं, आपकी स्टोरी काम करती है। मैं ये कई बार, ये मैं जो सवाल बता रहा हूँ ना, ये 90% सवाल वही कॉमन लौट के मेरे पास आ रहे हैं, वही सवाल है लौट के। तो गाइस अपन भी मौका ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए भाई के साथ, बाकी देखते हैं, फिलहाल भीड़ बहुत ज्यादा है और एक्साइटमेंट भी जो लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, देखते हैं थोड़ा सा अगर टाइम मिल पाए। वेटिंग फॉर माय टर्न। दोस्तों पानी वानी हर बात था, इन्होंने पहले करा ही दिया था, फाइनली इन्होंने अपना खाने का भी इंतजाम कराया सब्सक्राइबर्स के लिए, और ये लगभग 2:35 हो रहे हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद से हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी यूट्यूबर ने एक फ्री मीटअप रखा है और उसमें भी उन्होंने पानी का खाने का इंतजाम करा, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, तो सीखने वाली चीज़ है बेसिकली। तो फाइनली गाइस आज बस ब्लॉग पे पहली बार अरबाज भाई जो हैं वो जुड़े हैं हमारे साथ, और बड़ी मुश्किलों से बड़ी तमन्नाओं से वक्त मिला। सबसे पहले भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी गर्मी में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली यार बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं मैसेज भी डालते हैं रिवर्ट नहीं आता है, लेकिन एक भाई अरबाज भाई जो हमेशा इंस्टाग्राम पर रिवर्ट करते हैं। और भाई मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था इंस्टाग्राम पर, आपने उसका आंसर भी दिया था, मैंने पूछा था भाई मेरा चैनल ना बहुत पुराना है, 2012 में मैंने बनाया था, अच्छा तो क्या इस चैनल पे मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपसे सलाह ली थी, आपने मुझे बताया था, मुझे मेरे पास आज भी मैसेज है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, आपका चैनल चाहे नया हो या पुराना हो, आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, कंटेंट जो डालो उसमें दम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और मैंने उस चीज को फॉलो किया, लिटरली सेम चैनल था, आज 55,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच भाई, आपसे इंस्पिरेशन लेकर करा, थैंक यू सो मच भाई, आप यहां मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस लंच में अरबाज भाई की तरफ से जो है मुहैया कराई गई है ये ताहिरी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज है। सो बेसिकली मोल जो है वो इंसान की किरदार का होता है, भावनाओं का होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार, कौन सोचता है आजकल इतना किसी के बारे में, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और फाइनली बहुत ज़्यादा सब्र के बाद अरबाज भाई से एक छोटी सी बात भी मुझे कहनी थी, वो मैंने कह दी है, तो मन की बात थी वो हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से जाना जो है और यहाँ पर आना जो है वो सफल हो चुका है पूरे तरीके से, और बस फॉलो तो कर ही रहे हैं भाई को, सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, अरबाज भाई के साथ कुछ आखिरी बाइट्स, उसके बाद अभी फिलहाल निकलने की प्लानिंग है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी और होती हुई, अरबाज भाई खुद उठा रहे हैं बॉटल्स, हमने यहाँ पर जो है पानी वानी पी के लोगों ने फेंक दी थी, तो यह उठाने का प्रोग्राम चल रहा है। सो गाइस फाइनली जो है 3 बज गए हैं और
अब जो है हमारा जो मीटअप है वो ख़त्म हो गया है। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आज कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि यार आप छोटी छोटी चीज़ों में ना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये बताया सबसे बड़ी बात अरबाज भाई ने, जो उनसे सीखने को मिला हमें। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया कि अमेज़ॉन पे 150 रुपये की राख मिलती है, कंडे मिलते हैं, उपले मिलते हैं 100-100 रुपये के। तो वो किस तरीके से हम पीछा कर जाएँ, पिछले 10 साल पहले 15 साल पहले किस तरीके से हम वो राख जो है इस्तेमाल करते थे या कंडे जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा कुछ हम व्लॉग बना सकते हैं अपने चैनल पे, यूनिक भी लगेगा और क्रिएटिव भी लगेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ यार ये है कि यार एक तो यार अरबाज भाई आए, ठीक है, मुझे जो ख़राब लगा यार थोड़ा सा ये लगा अरबाज भाई आए, बहुत सारे यार यहाँ पे लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती की धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा अगर नहीं करते तो मीटअप और भी बेहतर बन जाता सभी लोगों के लिए। तो अगली बार से कोई भी यूट्यूबर अगर मीटअप रखे तो प्लीज़ गाइज उसकी रिस्पेक्ट करें, और जो टाइम वो आपको देने के लिए आया है उसको अच्छा टाइम बनाएं और उसको यूटिलाइज़ करें अपने आने वाले व्लॉग्स के अंदर या वीडियोस में। और ये हमारे धंधा, अपन तो इससे घर जाएंगे, और आप लोगों का साथ मिला तो बहुत जल्द अपन भी एक गाड़ी लेंगे। और यस गाइज, इस वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अद्भुत व्लॉग्स। तो फिलहाल मैं करता हूँ अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अरबाज भाई को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा मुझे भी करें, मैं भी धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। अरबाज भाई से जो चीज़ें सीखने को मिली वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो आप धीरे धीरे मेरी और वीडियोज़ में भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, गुड नाइट।